नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेलेज्मा यानी झाइयाँ, झाइयों की होम्योपैथिक दवा। झाइयाँ किस कारण से होती हैं और इसके लक्षण क्या हैं, आइए। मैं डॉक्टर नितेश, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झाइयाँ सामान्यतः आँख के नीचे एक गोल ब्लैक कलर का सर्किल बन जाता है, जिसे हम झाइयाँ कहते हैं। अत्यधिक प्रचलित ये महिलाओं में पाई जाने वाली स्किन की बीमारी है। चेहरे का रंग काला हो जाता है, इसे हम झाइयाँ कहते हैं। झाइयाँ सामान्यतः उन महिलाओं को देखा गया है जिनका पेट गड़बड़ रहता है, पेट खराब रहता है और उन्हें कब्ज अत्यधिक समय से हुआ होता है, उन महिलाओं को झाइयाँ होता है। और जिन महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स और सामान्य तरीके से रहता है, उन्हें भी झाइयाँ होता है। झाइयाँ महिलाओं के पीरियड की समस्याओं के कारण भी झाइयाँ हो सकता है। अगर जो महिलाएं धूप में अत्यधिक निकलती हैं कामकाज के कारण, तो उन्हें भी झाइयाँ हो सकता है। जिन्हें भोजन में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण भी झाइयाँ हो सकता है। अगर कम उम्र की महिलाओं में झाइयाँ होता है, तो उसके सबसे प्रमुख कारण है कि उनके शरीर में पोषक तत्व की कमी के कारण झाइयाँ होता है। अत्यधिक उन महिलाओं को झाइयाँ होता है जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में पिगमेंटेशन के कारण झाइयाँ होती हैं। पिगमेंटेशन यानी शरीर का रंग काला हो जाना, अत्यधिक शरीर का रंग काला हो जाता है, जिसके कारण से महिलाओं के चेहरे पे झाइयाँ होती हैं। अगर झाइयाँ बार बार हो रही हैं, अत्यधिक बार हो रही हैं और झाइयों से परेशान है महिला, तो महिला डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। झाइयाँ उन पुरुषों या महिलाओं को अत्यधिक होता है जो धूप में निकल के कार्य करते हैं। सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरण उनके स्किन पे जाते हैं और स्किन को काला कर देते हैं, जिसके कारण से उनके चेहरे काले पड़ जाते हैं और ये झाइयों का शिकार हो जाता है। झाइयाँ होने से पुरुष या महिला आत्मविश्वास खो देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सामान्यतः झाइयाँ ना हो, इसके लिए हमें कुछ बचाव करना है। अपने स्किन को सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण से बचाना है। घर से निकलते समय अपने मुंह हाथ को पूरी तरह से तौलिया या दुपट्टे से ढक के रखना है, जिसके कारण आपके स्किन पे अल्ट्रावायलेट रे न लगे और आपका जो भी स्किन है वह झाइयों से बचा रहे। अब आइए, झाइयों के लिए होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपको खाते ही 10 से 15 दिनों में आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। सल्फर 1 एम को सप्ताह में एक बार लेना है, सुबह में 4 बूंद जीभ पे। केवल सप्ताह में एक बार इसे 4 बूंद जीभ पे लेंगे और आपके जो ब्लैक सर्किल चेहरे पे दिख रहे हैं, यह धीरे धीरे इसका रंग अपने जो भी पुराना चेहरे का रंग है उस रंग में आ जाएगा। दूसरी दवा है जिंकम मेटालिकम 200, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम जीभ पे लेना है। इस दवा को लेने से आपके चेहरे पे ग्लोरियस आएगा, चमक आएगा और आपका चेहरा सुंदर दिखेगा। तीसरी दवा है 5-FAS, यह 6X फॉर्म में आएगा, टैबलेट के जैसे आएगा। इस दवा को दिन में 3 बार लेना है, 4 टैबलेट दिन में 3 बार। 5-FAS लेने से आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, आपके सेल्स जितने हैं वह नए होंगे, आप पूरे तरह से चमक दमक के साथ दिखेंगे। अगला डॉक्टर सौवे की सबसे बेहतरीन इफेक्टिव क्रीम टॉपी बल्बेरिस, इसको एक दिन में 2 बार लगाना है, सुबह में और शाम में। इस क्रीम को अपने हाथ पे ले लेंगे, डॉट 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 करके जहाँ जहाँ पे मेलेज्मा झाइयाँ हैं उसको अच्छी तरह से मिला के लगा के छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है। और जैसे ही फिर सुबह होगा तो थोड़ा सा फेस वॉश लेके अपने चेहरे को धुल के एक साफ तौलिए से चेहरे को पोंछ लेंगे और पोंछने के बाद से उस क्रीम को हल्का सा क्रीम लेके चेहरे पे डॉट डॉट करके लगाएंगे। आपका जो भी मेलेज्मा या झाइयाँ हैं पूरी तरह से 10 से 15 दिन में ठीक होता हुआ नज़र आएगा।
अब इस पे कुछ बचाव के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या बचाव करना है और क्या खाना है। भोजन में ध्यान रखेंगे कि खटाई, अचार, ज़्यादा तेल, मसाला और ज़्यादा मिर्च का उपयोग नहीं करेंगे। पपीते का अत्यधिक सेवन करेंगे, पपीता अत्यधिक मात्रा में खाएंगे जिससे आपके चेहरे पे चमक आएगा। खूब पानी, याद रहे जिन महिलाओं को गर्भावस्था में झाइयाँ हैं तो वह पपीते का सेवन नहीं करेंगी, अन्यथा पपीता का सेवन करने से गर्भपात की समस्याएं बढ़ सकती हैं, गर्भपात हो सकता है। तो जिन महिलाओं को गर्भावस्था में अगर झाइयाँ हैं तो वो पपीते के जगह पे चुकंदर का सेवन करें, अनार का सेवन करें और पानी पियेंगे। दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पियेंगे। रात के समय में अपने चेहरे को शीशे में नहीं देखेंगे। वीडियो में जो भी बताया गया है इसका नियमता पालन करेंगे तो आपके चेहरे पे जो भी काले काले धब्बे हैं, छाइयां हैं या मेलेज्मा हैं, यह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी इसका नियमता पालन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।